शिवपुरी शहर के कई वार्डों में बारिश के पानी से घर पूरे धराशायी हो गए, तो वहीं बारिश ने घरों में रखा सारा राशन भी खराब कर दिया, जिससे प्रभावित लोगों के सामने भुखमरी की समस्या पैदा हो गई। वहीं बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर हंगामा किया और प्रशासन से राशन देने की गुहार लगाई। वहीं लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने अभी तक किसी तरह की कोई मदद नहीं की। वहीं एसडीएम का कहना है कि कर्मचारियों को बारिश से हुए नुकसान का सर्वे कराया जा रहा है और जल्द ही शासन के नियमों के तहत मदद दी जाएगी। हमारे पानी भर गया घरों में, पूरा सामान था, आटा पानी सब गल गया। खाने के लिए बच्चे परेशान हैं, हम खुद परेशान हैं, कुछ नहीं मिल गया। हम जो मांग कर रहे हैं हमारे पास भी तो पहुंचे कुछ राशन पानी, कुछ भी राशन पानी सारा। बच्चे भी तो भूखे प्यास से मर रहे हैं, उनके लिए भी तो चाहिए कुछ नहीं है। मजदूरी क्या, पानी भर मजदूरी कुछ काम नहीं हमारे लिए। बरस रहा है तो कहाँ जाएगा आदमी मजदूरी के लिए करने के लिए। जहाँ जहाँ समस्या आ रही है, खाने की समस्या आ रही है, वहाँ पैकेट बना के भेजे गए हैं। और जहाँ और भी समस्या है कि खाना खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे कंट्रोल से खाद्यान्न मिल रहा है। और ऐसे परिवारों का सर्वे भी हो गया है जहाँ का मकान पूर्णतः पानी में डूब गया है या छतरी है, उनको 50-50 किलो आटा प्रदाय किया जाएगा। सूची बन गई।